तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो को कुछ इस टाइप की कलर ग्रेड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइटरूम में अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेना है। तो इसके लिए आपको इसकी कंट्रास्ट को 29 इंक्रीज कर देना है एंड अब आपको इसके हाईलाइट को 87 माइनस कर देना है। इसके हाईलाइट को 87 माइनस करने के बाद आपको इसके शेडो को 100 इंक्रीज कर देना है। अब आपको इसके वाइट को 100 माइनस कर देना है और ब्लैक को 100 इंक्रीज कर देना है। अब आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको इसकी वाइब्रेशन जो है इसको आपको 50 के आसपास बढ़ा देना है। 50 के आसपास बढ़ाने के बाद आपको मिक्स वाले टूल में क्लिक करना है। अब आपको इसके फर्स्ट कलर की हुई को 37 माइनस कर देना है एंड अब आपको इसको 47 बढ़ा देना है आपको इसकी सेचुरेशन को एंड आपको इसकी ल्यूमिनेंस को 14 के आसपास बढ़ा देना है एंड अब आपको इस सेकंड कलर में जाना है। सेकंड कलर में जाने के बाद आपको इसको हुई को 7 बढ़ा देना है। 7 बढ़ाने के बाद आपको इसकी सेचुरेशन को 13 बढ़ा देना है। 13 बढ़ाने के बाद आपको इसकी ल्यूमिनेंस को हल्का सा इंक्रीज कर देना है। अब आपको थर्ड कलर में जाना है। थर्ड कलर में जाने के बाद आपको इसकी हुई को 62 के पास माइनस कर देना है एंड आपको इसकी सेचुरेशन को 26 के आसपास बढ़ा देना है। इसके बाद आपको इसकी ल्यूमिनेंस को है ना 58 के आसपास बढ़ा देना है। जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा सकते हो। अब आपको फोर्थ कलर के अंदर जाना है। फोर्थ कलर के अंदर जाने के बाद आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। इसकी जो ये ल्यूमिनेंस है इसको आपको 8 के पास बढ़ा देना है। अब आपको जाना है फिफ्थ कलर के अंदर एंड आपको इसकी सेचुरेशन को 3 बढ़ा देना है। 3 बढ़ाने के बाद आपको इसकी जो ल्यूमिनेंस है इसको 22 के आसपास बढ़ा देना है या 52 बढ़ा देना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ से कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में। कलर ग्रेडिंग में जाने के बाद आपको इसकी शेडो जो है इसकी ल्यूमिनेंस को 26 के आसपास माइनस कर देना है। 26 माइनस करने के बाद आपको मिड टोन में जाना है। मिड टोन में जाने के बाद आपको इसकी ल्यूमिनेंस को 8 बढ़ा देना है। इसके बाद आपको हाईलाइट में चले जाना है। हाईलाइट में जाने के बाद हम इसके अंदर हाईलाइट टोन डालेंगे तो इसके लिए आपको इसकी हुई को 44 के आसपास बढ़ा देना है जिससे कि येल्लो टोन डल जाए एंड आपको इसकी सेचुरेशन को 38 बढ़ा देना है जिससे कि हमारी फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग लगेगी। इसके बाद आपको इसकी ल्यूमिनेंस को 9 इंक्रीज़ कर देना है। 9 इंक्रीज़ करने के बाद आपको इसको मैं कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और आपको विग्निटी को है ना हल्का सा माइनस कर देना है समथिंग 24 के आसपास 24 माइनस कर देना है। इसके बाद आपको क्लेरिटी को हल्का सा बढ़ा देना है जिससे कि हमारी फ़ोटो में क्लेरिटी आ जाएगी। इसके बाद आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन को भी हल्का सा बढ़ा देना है जिससे हमारी फ़ोटो में ब्लैक टोन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये देखो बिफोर एंड ये आफ्टर हमारी फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग 82 है। ऐसे मोर ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।